लो जी, बॉलीवुड में नेपोटिज्म का एक और प्रोडक्ट आ गया है, नाम है इसाबेल कैफ। आपको नाम से अंदाज़ा लग ही गया होगा, ये कैटरीना कैफ की छोटी बहन है। ये अपनी फिल्म सुस्वागतम खुशामदीद लेके जल्द ही आ रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने बॉलीवुड कैलेंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर बजा दें, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वैसे तो कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि कैटरीना कैफ की छोटी बहन बॉलीवुड में एंट्री कर सकती है, और उन्होंने एंट्री कर भी ली है और लेके आई हैं अपनी फिल्म का पहला लुक, जिसका नाम है सुस्वागतम खुशामदीद। और इस फिल्म में साथ में नजर आ रहे सलमान खान के जीजा जी, यानी कि पुलकित सम्राट। वैसे तो आपने पुलकित सम्राट को कई फिल्मों में देखा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलकित सम्राट सलमान के जीजा हैं, और वो जीजा इस तरीके से हैं क्योंकि वो श्वेता रोहिरा को अपनी राखी सिस्टर समझते हैं। सुस्वागतम खुशामदीद में पुलकित सम्राट इसाबेल कैफ के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। सलमान ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, अरे वाह पुलकू और ईशा, सुस्वागतम खुशामदीद में आप दोनों साथ में अमेजिंग लग रहे हैं, बधाई हो और शुभकामनाएं। इस फिल्म में पुलकित दिल्ली के लड़के अमन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, वहीं इसाबेल आगरा की रहने वाली नूर की भूमिका में नजर आएंगी। पुलकित और इसाबेल के बीच की केमिस्ट्री के बारे में जब इसाबेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारी केमिस्ट्री काफी धमाकेदार है, सेट पर मौजूद लोगों का कहना है कि हम एक साथ पटाखे की तरह दिखाई देते हैं। वहीं इसाबेल के बारे में पुलकित से पूछा गया तो उन्होंने कहा, वह सेट पर अपने साथ नई ऊर्जा लेकर आई हैं, वह बेहद मेहनती हैं और सेट पर सभी को अपने काम से इम्प्रेस किया है, मैं भी उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद हर। हाल ही में इस जोड़ी ने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ भी डांडिया रास नंबर शूट किया है। गणेश कहते हैं, यह सॉन्ग जगराता और डांडिया डांस का मिश्रण है और लीडिंग कपल ने इस पर बेहतरीन काम किया है। मुझे पता है कि पुलकित एक शानदार डांसर है, लेकिन इसाबेल ने मुझे इम्प्रेस किया है क्योंकि वे नई है, लेकिन उन्होंने बहुत ही आसानी से स्टेप सीख लिए। दोनों ने कई दिनों तक रिहर्सल की और उसी तरह से पर्दे पर आने वाली रोमांस और केमिस्ट्री एकदम परफेक्ट दिखती है। गणेश कहते हैं, बन पिया टाइटल वाले इस सॉन्ग में ट्रेडिशनल आउटफिट पहने 400 बैकग्राउंड डांसर्स के साथ ब्लैक एंड गोल्ड देसी कॉस्ट्यूम में पुलकित और इसाबेल बेहतरीन नजर आ रहे हैं। यह मेरे सबसे बड़े सॉन्ग में से एक है। यह सॉन्ग बेहद रंगीन है, जिस तरह से इसे शूट किया गया है उसे बड़े पर्दे पर देखकर लोग दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, बॉलीवुड का ये नेपोटिज्म प्रोडक्ट बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल करता है वो तो रब ही जाने, लेकिन हम अपने वीडियोस में यूं ही धमाल करते रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें bollywoodcalendar.com।